आपको गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भराना हो तो कहां जाएंगे? पेट्रोल पंप पर। लेकिन अलवर में आपको पेट्रोल पंप जाने की जरूरत नहीं है। आप जानना चाहते हैं क्यों? देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सड़क के किनारे खड़ी और परचून की दुकानों पर रखी इन बोतलों और केन को देखिए, इनमें पेट्रोल और डीजल भरा है। आप सोच रहे होंगे कि पेट्रोल और डीजल तो ऐसे ही रखे जाते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये पेट्रोल और डीजल सिर्फ रखा नहीं है, ये बिक्री के लिए है। आप देख सकते हैं कि कैसे मोटरसाइकिल से पेट्रोल की फुटकर दुकान पर ये युवक खरीदारी कर रहा है और कैसे ये लड़की पैसे का लेन देन कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र में, जो ग्रामीण क्षेत्र पड़ते हैं, उसमें बिल्कुल मेन स्टैंड पर सामने ही पेट्रोल के केन नजर आते हैं और वो खुलेआम बिकते हैं, जबकि ये एक्सप्लोसिव एक्ट के खिलाफ है टोटल। और इसमें डीएसओ को भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, इससे कभी भी कोई भी दुर्घटना बड़ी हो सकती है। यही नहीं, मैं तो देखता हूँ कि जो दुकानें हैं, शॉप्स हैं, उसके अगल बगल में भी ये पेट्रोल खुलेआम बिकता है और खुलेआम रखा रहता है। परचून की दुकानों और थड़ियों पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसे काफी बच बचा कर हमारे संवाददाता ने उतारी है। जी हाँ, इन तस्वीरों को लेना आसान नहीं था, क्योंकि पेट्रोल का काला धंधा करने वाले लोग हमला तक कर देते हैं। अधिकारी भी इस बात की तस्दीक करते हैं। कुछ लोग इस तरह का व्यापार कर रहे हैं, हरियाणा से, भिवाड़ी से माल ला करके, जो भिवाड़ी की तिजारा के एरिए और रामगढ़ के एरिए, जो दिल्ली से ला करके हरियाणा से माल, आप काफी मात्रा में गांव-गांव में इस तरह के धंधा पर पैर पसार चुका है और एक संगठित गिरोह के रूप में काम करता है। यहाँ पर अगर कोई प्रशासन भी कार्रवाई करने जाता है तो ये बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। फुटकर पेट्रोल की इस दुकानों की वजह क्या है तो वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल राजस्थान के मुकाबले हरियाणा और दिल्ली में पेट्रोल और डीजल सस्ता है। हर लीटर पर ये अंतर 4 से 5 रुपए का है। ऐसे में कुछ लोग हरियाणा से पेट्रोल डीजल खरीद कर लाते हैं और उसमें मिलावट कर राजस्थान के दर से 1 रुपए सस्ते में बेचते हैं। हरियाणा से डीजल और पेट्रोल लाते हैं, हरियाणा और राजस्थान के जो टैक्स रेट्स हैं उनमें फर्क है, तो डीजल पर लगभग 4 रुपए का फर्क है, पेट्रोल पर भी 4 साढ़े 4 रुपए का फर्क है। फिर भी हम लोग लगातार कार्रवाई करेंगे और इस बात से सहमत है कि ये सुरक्षा के लिए, जन सुरक्षा के हिसाब से, जान माल की सुरक्षा के हिसाब से बहुत बड़ा खतरा है। पेट्रोल और डीजल का ये अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, इस पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है, क्योंकि इस काले कारोबार से बड़ी संख्या में लोग जुड़ चुके हैं और 4 पैसे बचाने के लिए लोग इन दुकानों से खरीदारी कर रहे हैं। इससे न सिर्फ सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि पेट्रोल और डीजल की इस तरह खरीद फरोख्त खतरे की घंटी भी है। लेकिन ये खतरा कैसे टले किसी को नहीं पता। पूनम शर्मा के साथ सहारा न्यूज ब्यूरो, अलवर।